आधी रात मुंबई की सड़कों में अचानक इकट्ठा हो गए लाखों मुसलमान। प्रदर्शन या फिर कुछ और, मुंबई में आखिर क्या करने वाले थे AIMIM के नेता? भाजपा ने लगा दिए गंभीर आरोप, कांग्रेस को भी जमकर सुनाया। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गठबंधन ने सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन आज से एक दिन पहले आधी रात में मुंबई की सड़कों में लाखों मुसलमान उतर आए। आम जनता ही नहीं, पुलिस को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन लाखों लोग सड़क पर उतरे क्यों, क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल मामला यह है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर रामगिरी महाराज ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र का माहौल गर्मा गया था। कुछ मुस्लिम संगठनों ने बाबा के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उन पर कार्रवाई की मांग की थी। जब मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया तो इसके उल्टा यानी कहें उनके सपोर्ट में बीजेपी के नेताओं ने एक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में नीतीश राणा शामिल हुए, जो बीजेपी के नेता हैं। इस दौरान राणे ने मुसलमानों को खुली धमकी दे डाली और इसके बाद तो AIMIM के नेताओं ने तिरंगा रैली निकालने का ऐलान कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, वासिर पठान जैसे नेताओं की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई। इस रैली में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, इस वजह से मुंबई के कई इलाकों में जाम की हालत देखने को मिली। आपको बता दूं कि 11 सितंबर को ही MIM नेता इम्तियाज ने 23 सितंबर को चलो मुंबई अभियान का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब दोनों ही रैली एक साथ हो जाने की वजह से काफी कुछ बड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि AIM नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ की मांग की है। इसके अलावा हिंदू संत रामगिरी महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा का क्या रुख है, चलिए जानते हैं किरीट सुमैया से। किरीट सुमैया भाजपा के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस और AIM पर जमकर निशाना साधा है। समाज में आग लगाने उनको उकसाने का षड्यंत्र अभी सामने आया है। शनिवार को एक ही दिन धारावी की सुभानी मस्जिद तोड़ने के संबंध में लगभग 10 लाख से ज्यादा ये व्हाट्सएप पे यह अपील घुमाई गई। साथ में ये तुबानी मस्जिद के नाम से अपील, साथ में एक वॉइस मेल भी घुमाया गया। क्या था वॉइस मैसेज? सुबह 9 बजे ज्यादा से ज्यादा हम लोग आएंगे मस्जिद के सपोर्ट में। मस्जिद नहीं है, हमारी जान है, जरूर आएंगे और मस्जिद के लिए हम मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे लाखों मैसेजेस वायरल किए गए, ये पत्रक जगह जगह पे भेजा गया। उसी समय पर इम्तियाज जलील MIM के 3000 गाड़ियां लेकर मुंबई आ पहुंचते, 12000 लोग हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।